हमारे बॉडी लैंग्वेज सीरीज में हम बात कर रहे हैं इंटरव्यूज के बारे में। हम आज बात करेंगे व्हाट टू डू ड्यूरिंग एन इंटरव्यू। जब आप इंटरव्यूज में हो, आपकी हैंड जेस्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हैंड जेस्चर्स खुली रखिए, अपना हैंड्स ओपन रखिए। ओपन पाम्स, ओपन हैंड्स इज एन इंडिकेटर ऑफ ट्रस्ट एंड एन इंडिकेटर दैट आई एम अ गुड लर्नर एंड आई एम वेरी रिसेप्टिव। आई एम ओपन टू योर आइडियाज एंड आई अग्री विथ यू। अगर आप हैंड्स क्लोज रखोगे, हैंड्स क्रॉस रखोगे, तो ये बहुत ही ओवर स्मार्ट जेस्चर लगता है। तो आपके हैंड्स ओपन रखिए और ओपन हैंड्स रख के विदाउट पॉइंटिंग आउट योर फिंगर्स जस्ट यूज कप योर हैंड्स अ लिटिल बिट लाइक दिस एंड आंसर योर क्वेश्चंस टू द इंटरव्यूअर। स्माइल करते रहिए, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस का खास तौर से ध्यान रखिए। आपके फेशियल एक्सप्रेशंस होने चाहिए एनर्जेटिक और एंथुजियाज्म। कहीं से भी मेक श्योर कि देयर आर नो रिंकल्स ऑन योर फोरहेड, खास करके जब इंटरव्यूअर आपसे कोई सवाल पूछे। बहुत लोगों को आदत होती है यूं करके देखने की। अगर ये आदत है तो इस पर जस्ट थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बिकॉज ये फिर से कम्युनिकेट करता है कि आप कॉन्फिडेंस लूज कर रहे हो, या तो फिर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो कि इनको आंसर क्या देना है मुझे, और ऐसे भी लगता है कि आप सुन नहीं रहे हो। आपकी बॉडी लैंग्वेज हमेशा आपके वर्ड्स के साथ मैच होनी चाहिए, एक साथ जानी चाहिए। बॉडी लैंग्वेज आपका मैसेज फॉरवर्ड करने का काम करता है। जो आप कह रहे हो उसको एम्फसाइज करने का इंटरव्यूअर के सामने बहुत ही पावरफुल तरीके से पेश करने का काम करती है आपकी बॉडी लैंग्वेज। तो इसे बहुत ही इम्पैक्टफुल और पावरफुल तरीके से यूज़ कीजिए। मान लो अगर कोई सवाल हो जिसका जवाब आपको नहीं आया, इट्स ओके, इट्स नेचुरल, होता है, हम सब सीखते हैं। ये एटीट्यूड रखिए माइंड में, और ख़ास करके आपकी बॉडी लैंग्वेज कंट्रोल में रखिए। कई बार ऐसे हो जाता है कि देर आर सम गर्ल्स हु ब्रेक डाउन ड्यूरिंग एन इंटरव्यू एंड स्टार्ट क्राइंग, और बॉयज स्टार्ट स्वेटिंग अ लॉट, और फिर उनके जो हैंड जेस्चर्स होते हैं सारे नर्वस हो जाते हैं। ध्यान रखिए, इट्स ओके, बॉडी लैंग्वेज कंट्रोल में रखिए। अगर आपको ऐसा लगे कि इस सवाल का जवाब आपको नहीं मालूम, जस्ट हैव अ स्माइल ऑन योर फेस एंड से दैट यू डोंट नो बट यू वुड लाइक टू नो, सो दैट द इंटरव्यूअर टेल्स यू। हैव अ म्यूचुअल डिस्कशन एंड क्विकली मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विद अ स्माइल ऑन योर फेस। दोस्तों, इंटरव्यू का नतीजा कुछ भी हो, आप सिलेक्ट हुए हो या रिजेक्ट हुए हो, डोंट फॉरगेट टू मेक अ पॉजिटिव कॉन्फिडेंट हैंडशेक विद द इंटरव्यूअर। ये आपका एटीट्यूड रिफ्लेक्ट करता है। क्या पता इंटरव्यूअर का माइंड चेंज हो जाए, उनमें आप में एक फाइटर पर्सन दिखाई दे, एक पर्सन विद अ गुड पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाई दे कि इंटरव्यू में सिलेक्ट नहीं किया फिर भी एक अच्छा सा हैंडशेक दे रहे हैं। हैंडशेक बोन क्रशिंग टाइट ना दे, और लूज हैंडशेक तो कभी ना दे। एक अच्छा फर्म हैंडशेक दे, एक पॉजिटिव आई कॉन्टैक्ट दे, एक अच्छी सी स्माइल दे। याद रखिए, जस्ट शेक योर हैंड्स वंस और ट्वाइस, लुक इनटू द आईज ऑफ द इंटरव्यूअर एंड से थैंक यू वेरी मच सर, आई एम प्लीज टू मीट। दोस्तों, डिप्रेशन के कई कारण होते हैं और रिजेक्शन उसमें से सबसे ज़्यादा है। रिजेक्शन प्यार में हो या करियर में हो, तकलीफ होती है। हमारे बॉडी लैंग्वेज के सारे सीरीज़ में जो हम आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि हम आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन दें जिससे आपकी लाइफ सक्सेसफुल और हैप्पीनेस से भरी हो। तो प्लीज़, हम जो भी आपको टिप्स दें इन्हें इम्प्लीमेंट करें और प्रैक्टिस करें। तो दोस्तों, आज जो हमने आपको बॉडी लैंग्वेज टिप्स दिए, मुझे उम्मीद है आप इसे यूज़ करोगे, इम्प्लीमेंट करोगे, और ये आपके बहुत काम आएंगी। आई एम श्योर ये आपको सक्सेस के रास्ते पे डेफिनेटली लेके जाएंगी।